द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इज आर नॉट. इफ द अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स द सेम न्यूक्लियस विद वेलोसिटी 2v, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी, और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जब एक अल्फा पार्टिकल को वी वेलोसिटी से थ्रो करते हैं किसी न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है, तो वहां पे जो क्लोजेस्ट अप्रोच मिलता है वो आर नॉट मिलता है. अगर अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को 2 times कर दिया जाए तो क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी मिलेगी. बच्चों, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला कि अगर एक अल्फा पार्टिकल को किसी न्यूक्लियस की तरफ, है ना, जिसमें जेड प्रोटॉन हो, मतलब उस पर चार्ज कितना हो, जेडी, इसकी तरफ अगर हम के काइनेटिक एनर्जी से थ्रो करते हैं तो ये इसके पास चला जाता है. और नियरेस्ट कहाँ तक जाता है, जब इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है तब ये रुक जाता है, उसके बाद वापस चला जाता है. ये तो बताया गया था. क्यों? क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा तो इस पे एक रिपल्सन फोर्स लगेगा और उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी कम होती जाएगी, और कम होते होते यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो इस सिचुएशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में. तब ये क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला आपको यहाँ पे बताया गया था. तो बच्चों, क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला होता क्या था, क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, देखिए क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला होता था 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर इंटू 2/K, जहां पर के जो है वो होती थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है. यहां पे देखो बच्चों, पहले केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ, 1/2mv2, पहले क्योंकि अल्फा पार्टिकल को वी वेलोसिटी से फेंका गया है ना, और बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2mv2. अच्छा बच्चों, v1 को दिया है v, तो यानी कि पहले वाले जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से बताओ, 1/2mv2, क्योंकि v1 की जगह क्या दिया है, v, पहले वेलोसिटी v थी, बाद में वेलोसिटी 2v कर दी गई, तो बाद काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 1/2m(2v)2, यानी कि क्या आ जाएगा, ये k2 = हो जाएगा 1/2mv2 × 4, भाई 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा. ये तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ k2 = 4k1, जो पहले जो काइनेटिक एनर्जी आई बाद में उससे क्या आएगी, 4 times आएगी, ठीक है. अब देखो, क्लोजेस्ट अप्रोच और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मालूम है, दोनों बार की काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, तो यहां से हम क्लोजेस्ट अप्रोच के रेशियो निकाल सकते हैं. तो बच्चों, पहले कंडीशन में क्लोजेस्ट अप्रोच R1/R2, दूसरे कंडीशन का क्लोजेस्ट अप्रोच बराबर कितना आएगा, यहां से देखो तो ये तो कांस्टेंट होता है, जेड भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सेम न्यूक्लियस की तरफ दोनों बार अल्फा पार्टिकल फेंका गया है, तो बचा कौन, के, यानी कि 1/K है, तो अपान में K1 इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, K2, देखो 1/K है ना, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/K, उससे आ गया. अब बच्चों वैल्यू पुट कर दो, R1 कितना है, R0, R2 कितना है, अपने को निकालना है, K2 कितना है, सेकंड कंडीशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अभी निकाला था, क्या निकाला था, 4K1, पहले वाले की 4 times है, अपान में K1, तो ये तो कट जाएंगे आपस में, हैं, तो R2 बराबर क्या बचेगा, यहाँ से देखो R0/4, सो द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन द सेकेंड कंडीशन विल बी R0/4, इसको फटाफट नोट कर लीजिए.